रेडी स्टार्ट। महात्मा गांधी बिलोंग्स नॉट जस्ट टू इंडिया बट टू द इंटायर वर्ल्ड। हिज यूनिवर्सल टीचिंग्स हैव अ स्पेशल रेसोनेंस इन ऑल कॉर्नर्स इन दीज टाइम्स ऑफ स्ट्राइफ। हिज पावरफुल मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस स्टैंड्स ऑल द मोर रिलेवेंट। हिज फेवरेट भजन और सॉन्ग वैष्णव जन तो तेने कहिए द एसेंस ऑफ विच इज कंपेजन काइंडनेस एंड गुडनेस फॉर अदर्स फॉर वंस एंड फॉर ऑलवेज विदाउट लेटिंग प्राइड इंटर वंस माइंड। दिस कैप्चर्स द इनर वॉयस ऑफ द महात्मा। आई थिंक योर मिलोडियस सिंगर हेल्दर ली फॉर गिविंग हर वॉयस टू द सॉन्ग एज अ ट्रिब्यूट टू अवर फादर ऑफ द नेशन। मैनी अदर्स अक्रॉस द फाइव कंटिनेंट्स हैव ऑल्सो पेड अ सिमिलर ट्रिब्यूट टू हिज थॉट एंड लीगेसी। महात्मा गांधीज आइडियाज एंड वैल्यूज रेसोनेट डीपली एंड पावरफुली इन दिस लैंड। देयर इज अ स्पेशल कनेक्ट बिटवीन गांधियन थॉट एंड द ऑस्ट्रेलियन वे ऑफ लाइफ। महात्मा गांधी ऑलवेज कंपेन्ड द कॉज ऑफ एनवायरमेंट एंड नेचर। हिज आइडिया ऑफ कंपनसेशन एंड काइंडनेस एक्सटेंडेड बियॉन्ड द ह्यूमन पेल अराउंड हिम। ही हैड डीप रिस्पेक्ट फॉर फॉरेस्ट्स रिवर्स एंड अवर हैबिटेट। दीज आर वैल्यूज दैट यू पैशनेटली ओन शेयर एंड कीप क्लोज टू योर हर्ट्स इन योर डेली लिव्स। ऑन अनदर नोट गांधीजी एंड द ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी स्ट्राइक अ कॉमन कोड। ही एज यू डू हैड द डीपेस्ट रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट फॉर मल्टीकल्चरल इथोज। ही सेड एंड आई कोट आई डू नॉट वॉन्ट माई हाउस टू बी वॉल्ड इन ऑन ऑल साइड्स एंड माई विंडोज टू बी स्टफ्ड। आई वॉन्ट द कल्चर्स ऑफ ऑल लैंड्स टू बी ब्लोन अबाउट माई हाउस एज फ्रीली एज पॉसिबल अनकोट। एज अ कंट्री विच इज होम टू फोर पीपुल फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। महात्मा गांधीज लीगेसी कुड नॉट बी मोर रेलिवेंट टू इट्स वैल्यूज एंड इथोज। द स्टैच्यू टू बी अनवेल्ड टूडे ऑन द इनिशिएटिव ऑफ परमात्मा सिटी काउंसिल आल्सो सिंबोलाइज द हिस्टोरिक बॉन्ड दैट टाइज अवर नेशंस टुगेदर। एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड एज अ कंट्री दैट सेलिब्रेट्स इट्स डाइवर्सिटी एंड ओपननेस वी टेक इमेंस प्राइड इन अवर रिलेशंस विद ऑस्ट्रेलिया द वाइब्रेंट लिंक एट द पीपुल टू पीपुल लेबल एड्स वाइगर एंड वाइटिलिटी टू दिस रिलेशनशिप। गोइंग फॉरवर्ड आई एम ऑप्टिमिस्टिक दैट अवर टू कंट्रीज विच शेयर सो मच इन कॉमन कैन अचीव सो मच मोर टुगेदर ऑन दिस स्पेशल ओकेजन। आई एम स्पेशली gratified by the presence
of a large number of Indian diaspora members. They serve as a living pride between their new home and the land of their ancestors. Gandhiji himself was a Pravasi or an expatriate. He lived in South Africa for 21 years before the return to India and went on to change the course of our history. I am happy to note the tremendous contribution made by hundreds of thousands of qualified, hard-working, diligent and enterprising Indian diaspora members in the nation making of this beautiful country. I convey to them and to all Australians good wishes and love from the people of India. May we all resolve today to draw inspiration from the life of teachings of Mahatma Gandhi and work for the listening benefit of humanity. I once again thank the Lord Mayor for making this event a success and all those who have contributed to this wonderful initiative. I am happy to be here to speak at the Australian Financial Review India Business Summit. I thank the organizers for the invitation to address Australia's leading business persons and thought leaders. This is my first visit to your country in my capacity as the President of India, and I am thankful too for the wonderful reception accorded by the Governor General, the Prime Minister and the government and people of Australia coming to this beautiful city and soaring its scenic harbour. It has been easy to understand why people are so quickly charmed by Sydney and by Australia. I must acknowledge the presence of Prime Minister Scott Morrison. We met this morning and had a meaningful conversation. I appreciate his leadership of Australia and commitment to the relationship with India, as well as his encouraging words on the recently released India Economic Strategy about a week ago in Singapore. He met our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, and my visit takes forward our dialogue, discussion and cooperation. I gather that Prime Minister Morrison has a taste for Indian food and in fact cooks a mean curry. I am sure he can help us come up with a recipe for even better Australia-India relations. Australia and India are united by a history of shared sacrifice on the beaches of Gallipoli, a shared vision for the peace and prosperity of a free, open and rules-based Indo-Pacific region, a shared instinct for entrepreneurship, a shared hope for a prosperous and yet eco-friendly and environmentally sustainable planet, and a shared passion for cricket. For many Indian cricket fans, Australia is their favorite team,
except when you are playing India, but especially when you are competing for the SS.